नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको जटाशंकर धाम की दर्शन कराए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मोना सैया कितना प्राकृतिक नज़ारा है। यह बंदर, शेर, चीते और पक्षी विभिन्न प्रकार के हैं, तो इनके बीच में हम सभी तीनों चारों परिवार ने यहाँ पर गक्कड़ भरता का कार्यक्रम किया है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हम सभी ने यहाँ पर मेहनत की है। दोस्तों, हम सभी लोग आ चुके हैं मोना सैया और हमारी गाड़ी रुक चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि मोना सैया अभी 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, पथरीला स्थान है। यहाँ अन्य पहले से भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं, दूर से ही ऐसा लग रहा है कि बादल जमीन पर आ चुके हों। ठीक सामने हम आपको एक तालाब दिखा रहे हैं, बीचों बीच एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा यह मैदान है जहां पर हमारी गाड़ी पार्क है। अन्य गाड़ियां भी दोस्तों आ रही हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक का सुंदर नज़ारा है, प्रकृति की गोद में स्थित है। सभी लोग गाड़ी से उतर रहे हैं वन बाय वन, और अब हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। जो हमारा खाने बनाने का जो सामान है वो भी हाथ में लिए हुए हैं, और पथरीला स्थान है, जो पथरीला चलने पर कंकड़ भी पैरों में गड़ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं, आपको बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा दिखा रहे हैं। हमारे गोविंद जी देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमारे गोविंद जी इस समय थक चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पथरीला स्थान है, और राकेश जी ने बिल्कुल हाथ में लकड़ी ले ली है बाटियां बनाने के लिए। अरे ठाकुर जी, तो बात ही कुछ और है। ठाकुर जी कितनी बड़ी लकड़ी लाए हुए हैं, और फिर भी पीछे लोग साथ में आए हैं, और ये बिल्कुल आदि मानव वाली आग निकाल रहे हैं, लेकिन प्रयासरत है ठाकुर साहब। ये है आदि मानव, लकड़ी रखो तो लकड़ी। अरे अरे मेरे को आदि मानव, देखो ये लकड़ी पत्थर से आग लगा रहे है। दोस्तों, हमारे गोविंद जी का बहुत ही सुंदर प्रयास रहा, और दोस्तों बिल्कुल हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करके और कंकड़ीले पत्थरों को लांग करके हम आ चुके हैं मोना सैया और प्रकृति की गोद में। अब हम जो हम खाना बनाने का सामान लाए हुए हैं, अब हम एक स्थान देख रहे हैं जहां पर हम यहां पर भटा गगरिया बना सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सामने हमको एक झरना दिखाई दे रहा है, और झरने के किनारे यह सुंदर यह पेड़ है, लेकिन इसमें लंगूर चढ़े हुए हैं, क्योंकि यह बहुत ही जंगल टाइप का स्थान है और प्रकृति की गोद में स्थित है। लेकिन हमको यही स्थान अच्छा लगा। राम जी हमारे जो साथ में आए हुए हैं, राकेश जी के सुपुत्र, उनका कहना है कि हम लंगूरों को देखे रहेंगे, आप बिल्कुल निसंकोच खाना बनाइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल हमने स्थान देख लिया है, बहुत ही सुंदर स्थान है, और ठीक बाजू में यह सुंदर झरना है जहाँ से बहुत ही सुंदर बिल्कुल छना हुआ पानी मिल रहा है। यहीं हम बिल्कुल अपना स्थान जमाएंगे और यहीं पर गक्कड़ भरता का कार्यक्रम रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो राकेश जी हैं यहाँ पर जो गंदगी है उसकी सफाई करने में लग चुके हैं। ठीक बाजू में गौ माता है, राकेश जी बिल्कुल जो यहाँ पर अन्य गंदगी डली हुई है उसको हटा रहे हैं, और बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। हमने चटाई बिछाकर बैठ भी चुके हैं, बहुत ही अच्छा स्थान लगा है हम लोगों को, और बिल्कुल हम लोग अब युद्ध स्तर की तरह अपने काम में जुट गए हैं। ठीक बाजू में आप देख सकते हैं यह जो प्रकृति का नज़ारा है, यहाँ के लंगूर हैं, यहाँ जटाशंकर धाम की सुंदरता यही है, और हमने अपना काम चालू कर दिया है, और चूल्हा जल चुका है, और बैगन उसमें चूल्हे में डाले जा चुके हैं, और बिल्कुल चूंकि लकड़ियाँ गीली होने के कारण इनमें आग लगने में थोड़ा समय लग रहा है, और यहाँ गर्मी भी है, क्योंकि हमको जो पेपर लाए हुए उससे हवा करनी पड़ रही है। खुले में भी लो हमारी आग जल चुकी है, और बैगन भुंजना चालू हो गए हैं, और बच्चे भी अपना इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर साहब भी थक चुके हैं, राकेश जी भी थक गए हैं, थोड़ा आनंद ले रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं साथ में साथ। और आप देखिएगा कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा, बच्चे भी अपनी अटखेलियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभियाँ सब्जी काट रही हैं, और हमारे ठाकुर साहब आप देख सकते हैं कि आटा गूंथ रहे हैं। इनको हम दोस्तों आपने इसके पहले भी वीडियो में देखा होगा कि ठाकुर साहब हमारे बाटी स्पेशलिस्ट, लेकिन यहाँ सभी लोगों का कहना है कि हम बाटी नहीं खाएँगे, इस पर गकरिया खाएँगे। तो बिल्कुल गकरिया फाइनल हो चुकी है, और गोविंद जी भी लग चुके हैं, और लकड़ी गीली होने के कारण वह चिमनी से फूंक रहे हैं और धुआं भी खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों दिन रहा,
बहुत अच्छा हमने यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन किए, वहाँ पर जटाशंकर के कुंड में स्नान किए और अब हम आपको भूख लगाई है तो बिल्कुल आए हुए हैं। यहाँ पर हम गकड़िया बनाएंगे और बैगन का भरता बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे ठाकुर साहब भी हैं, राकेश जी हैं, गोविंद हैं, राम जी हैं और वंश जी भी हैं, हिमांशी भी हैं, भाभियाँ भी हैं। तो दोस्तों बिल्कुल काम चालू हो चुका है, बच्चे यहाँ पर स्नान भी करने लगे हैं इस झरने पर। उनका कहना कि हम दोबारा स्नान करेंगे और हमारे आजान भुज भी अपना आनंद ले रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल युद्ध स्तर पर और काम चालू हो गया है। गकड़ियाँ बनने लगी हैं, अब बिल्कुल बैगन का भरता भी हमारे राकेश जी ने बना लिया है। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल कुछ ही समय बाद हम खाना भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको दूर से बता रहे हैं कि यह लंगूर बंदर यहाँ पर घूम रहे हैं और लोगों का सामान भी उठा ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा जहाँ खाना बन रहा है ठीक बाजू में आप देख सकते हैं लाइन से 8 से 10 बंदर आकर बैठ गए हैं, जो हम पेड़ के नीचे बना रहे हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल ताक लगाए हुए हैं कि हम थोड़ी सी भी गलती करें और ये हमारी सारी रोटियां लेकर भाग जाएं। हमारी रोटियां कितनी सुंदर फूलने लगी हैं, सिकने लगी हैं और हमारे गोविंद भैया भी सहयोग कर रहे हैं रोटियां सेंकने में। दो दो चूल्हे लगे हुए हैं क्योंकि दोस्तों के लकड़ियां गीली हैं और समय भी बहुत हो चुका है और हम भूख भी लग चुकी है। तो दोस्तों दूसरे चूल्हे पर भी इस समय पर गकड़ियां सेक रही हैं और हमारा लगभग काम दोस्तों हो चुका है। अब हमारी बारी है भोजन को ग्रहण करने की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठाकुर साहब और राकेश जी इस समय काम का निरीक्षण कर रहे हैं और बीच बीच में सहयोग करते हैं और अपना गाइडलाइन प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमारे राम जी और वंश भी और ठाकुर साहब भी बंदरों को पत्थर से भगा रहे हैं और बाटियां के साथ साथ गकरियां सिक रही हैं। तो दोस्तों हमारा भोजन लगभग तैयार हो चुका है और फिर भी आग बुझ जाने के कारण गोविंद जी चिमनी से आग को जला रहे हैं और धुआं का भी आनंद ले रहे हैं। कितनी सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गकरियाँ बन चुकी हैं और भाभियाँ भोजन को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आप दूर दूर तक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ बकरियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं कि जो चरवाहा है बकरियाँ चरा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। हमारा दोस्तों खाना बन चुका है, अब हम खाना ग्रहण कर रहे हैं। हमारे आजान भुज भी बिल्कुल धीरे धीरे सने सने भोजन ग्रहण कर रहे हैं, गकरिया और बैगन के भरता का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों आपको गक्कड़ भरता का कार्यक्रम देखकर आनंद आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब बटन लाल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों अगले ब्लॉग में हम आपको बताते हैं जो प्राकृतिक जो मोना सैया है, जो देवभूमि है, उसके दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं मोना सैया में।